क्या बोलते हैं?
बड़ी माता, एंड जो चिकन पॉक्स होता है उसको बोलते हैं छोटी माता। हिंदी हिंदी वाली जो मैटर करती है, बड़ी माता जो होती है वो डेंजरस होती है, मतलब सीवियर होती है। ये जो होती है ना वो कम खतरनाक होती है। अब हम बात करते हैं जो स्मॉल पॉक्स है, चिकन पॉक्स है, वो कौन कौन से वायरस द्वारा होता है। स्मॉल पॉक्स होता है क्या, बैक्टीरिया का नाम है वेरियोला वायरस। जो चिकन पॉक्स है वो होता है वेरिसेला वायरस। इसको कैसे याद करें भाई, दोनों एक जैसे नाम लग रहे हैं मुझे तो। चिकन पॉक्स जो होता है, चिकन पॉक्स के अंदर क्या आ रहा है, सी। वैरिसेला के अंदर क्या आ रहा है, सी। तो जो सीसी नाम वाले होंगे वो उसका होगा प्रभावित करने वाला वायरस, जिस वायरस के कारण रोग हो रहा है। तो चिकन पॉक्स किसकी वजह से होगा, वैरिसेला वायरस की वजह से। इसी वजह से चिकन पॉक्स को वैरिसेला भी बोला जाता है। इंपॉर्टेंट है, चिकन पॉक्स को क्या बोला जाता है, वैरिसेला। स्मॉल पॉक्स जो होता है, स्मॉल पॉक्स के लक्षण क्या है, सबके होती है बचपन में एक बार माता दो, तो नाता जो होती है ना उसके अंदर क्या होता है, चकते बन जाते हैं बॉडी के ऊपर, चकते या फिर फुंसियां बोल सकते हैं उनको। फीवर आएगा ही, ऑब्वियसली फीवर आएगा, एंटीबॉडी है, इम्यूनिटी रिस्पॉन्स कर रहा है, चकते बन जाते हैं, फुंसियां बन जाती है। पर ये क्या होता है, फुल बॉडी है, इसके जो लक्षण है वो होता है फुल बॉडी के ऊपर चकते बन जाते हैं। जबकि जो चिकन पॉक्स है, चिकन पॉक्स और स्मॉल पॉक्स में यही अंतर होता है, जो चिकन पॉक्स होता है ना उसके अंदर जो हमारे चकते बनते हैं ना, सॉरी हाथ एंड पैरों पर चकते होते हैं सिर्फ, सेम है। सबके अंदर बुखार आएगा, सबके अंदर हाथ पैरों में दर्द होता है, क्योंकि क्योंकि क्या हो रहा है, कोई चीज हमारी बॉडी के अंदर आ रही है, इन्फेक्शन हो रहा है, तो रिस्पॉन्स होगा, इम्यूनिटी कम होगी क्योंकि वो काम कर रही है। तो इसके अंदर क्या लक्षण हो गए, चकते फुंसियां एंड फीवर हो जाता है। मीजल्स, मीजल्स इसको क्या बोलते हैं, खसरा। खसरा मीजल्स के लिए जो वैक्सीन होती है वो होती है MMR। अभी देखते हैं इसके बारे में, खसरे के अंदर क्या होता है, खसरे के अंदर होता है हमारे फीवर, हेडेक होता है, हेडेक होता है, फीवर होता है, एंड छोटे छोटे लाल फुंसियां हो जाती है, छोटी छोटी लाल फुंसियां। तो ये जो हमारा खसरा जो रोग है वो भी किसकी वजह से होता है, वायरल जनित रोग है, जिसे बोलते हैं पैरामेंजो वायरस। इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है बार बार। तो खसरा होता है पैरामेंजो वायरस द्वारा, जिसके अंदर हेडेक होता है, फीवर होता है, छोटी छोटी लाल फुंसियां हो जाती है। और इसके बात करते हैं वैक्सीन के बारे में कि एमएमआर क्यों लिखा है। एमएमआर की फुल फॉर्म होती है मीजल्स मम्स रूबेला जो वैक्सीन है। एमएमआर क्या है, एक वैक्सीन है, ठीक है। तो ये होती है हमारी स्मॉल पॉक्स की जो वैक्सीन थी ना, वो एडवर्ड जेनर ने इसकी वैक्सीन की खोज करी थी। इंपॉर्टेंट है। अब हम देखते हैं सिक्स्थ वाला, सिक्स्थ आता है हमारा मम्स। देखते हैं नेक्स्ट जो हमारा वायरल जनित रोग है उसके बारे में देखते हैं, वो कौन सा है, हमारा मम्स। मम्स क्या होता है, मम्स बोलते हैं गलसुए को। गलसुए क्या होते हैं, गलसुए आपने देखा होगा, गलसुए या फिर इसको बोलते हैं गंडशोथ। गलसुआ मतलब कि यहाँ पर कान के पीछे की साइड क्या होता है, स्वेलिंग आ जाती है। तो वो स्वेलिंग आई होगी बहुत सारे बच्चों के, तो वो स्वेलिंग आ जाती है। तो वो स्वेलिंग किस वजह से आती है, वो भी एक वायरल जनित रोग है, जिस वायरस का नाम होता है पैरामिक्सो वायरस, ठीक है। कौन सा वायरस है, पैरामिक्सो वायरस। अब हम बात करते हैं यहाँ पर कौन सी ऐसा अंग है जिसे पैरामिक्सो वायरस क्या कर रहा है, प्रभावित कर रहा है। तो हमारे यहाँ होती है लार ग्रंथियां। लार ग्रंथियां कितनी होती है, तीन, थ्री पेयर होते हैं लार ग्रंथियों के। फर्स्ट आता है पैरोटिड, सेकंड आता है सबलिंगुअल, उसके बाद आता है सब मैंडिबुलर, ठीक है। सबलिंगुअल होती है जो जीभ के नीचे होती है, सब मैंडिबुलर होती है जो दांतों के यहाँ पर होती है। ये तीन जो हमारे पेयर है वो किसके होते हैं, सलाइवरी ग्लैंड के पेयर होते हैं। तो फिर हम बात करते हैं कि पैरामिक्सो वायरस किसको प्रभावित कर रहा है। पैरामिक्सो वायरस स्टार्ट होता है पी से, तो ये प्रभावित करेगा पी मतलब पैरोटिड ग्लैंड को। यहाँ पर कान के पीछे जो होती है वो होती है पैरोटिड ग्रंथि। पैरामिक्सो वायरस अटैक करता है पैरोटिड ग्लैंड पर, तो प्रभावित ऑर्गन कौन सा हो गया, पैरोटिड सलाइवरी ग्लैंड जो है वो प्रभावित होती है। किसके अंदर, मम्स के अंदर। मम्स के अंदर क्या होता है, स्वेलिंग आ जाती है उसके अंदर, ठीक है। तो मुंह खोलने में, पानी पीने वगैरह में कठिनाइयां होती है। तो वो वायरस कौन सा है, पैरामिक्सो वायरस। सेवन नंबर पे हम देखते हैं रेबीज। रेबीज सब लोगों को पता है, ये भी किसी को कुत्ता काट जाता है तो हम बोलते हैं भाई रेबीज हो जाएगा तेरे को, रेबीज हो जाएगा। तो जो रेबीज है वो किससे फैलता है, संक्रमित कुत्ते से फैलता है। और संक्रमित कुत्ते के अंदर जब वो काटता है तो उसके मुंह में से जो सबस्टेंट निकलता है, क्योंकि हमारे काटे का तो ब्लड निकलेगा डायरेक्ट, संग वो होगा, इसका संपर्क होगा, कॉन्टेक्ट होगा, तो वो अपने अंदर से कौन सा वायरस रिलीज करता है, वो होता है रैबडो वायरस। रैबडो वायरस रिलीज करता है, रैबीज जो है वो संक्रमित कुत्तों से होता है,
अब बात करते हैं संक्रमित कुत्ते से होता है रेबीज, करता क्या है रेबीज जो है ना, इससे हो जाता है पागलपन, मतलब इतना खतरनाक होता है, पागलपन हो जाता है और हाइड्रोफोबिया हो जाता है। हाइड्रोफोबिया क्या होता है? हाइड्रोफोबिया होता है पानी से डर, लोग पानी से डरने लग जाते हैं यदि मान लो तो। फिर इसीलिए तो हम बोलते हैं कुत्ता काटता है ना तो तुरंत जाकर क्या करने रहते हैं, इंजेक्शन लगवाने रहते हैं। तो वो इंजेक्शन कौन सा होता है? ह्यूमन डिप्लॉय सेल कल्चर, उस जो इंजेक्शन है उसका नाम होता है ह्यूमन डिप्लॉयड सेल कल्चर, HDCC। जो वैक्सीन होती है वो लगवाई जाती है ताकि रेबीज से जो हमें पागलपन है, हाइड्रोफोबिया है, वो नहीं हो। तो अब बात करते हैं पागलपन हाइड्रोफोबिया किसी, कौन कंट्रोल करता है हमारी मानसिक सिचुएशन को। तो रेड वायरस इतना खतरनाक है, किसको प्रभावित करता है आपको पता है? CNS को। CNS का क्या मतलब होता है? हमारा ब्रेन और स्पाइनल कोर्ड पे अटैक करता है रेड वायरस जाके, जिससे पागलपन हाइड्रोफोबिया की समस्या हो जाती है। तो तुरंत क्या करवाना चाहिए? इंजेक्शन लगाना चाहिए कि कोई कुत्ता काट लेता है तो हमें थोड़ी पता है संक्रमित कौन सा है। तो इसीलिए वैक्सीन लगाई जाती है, जो वैक्सीन का क्या नाम है? ह्यूमन डिप्लॉयड सेल कल्चर, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं डेंगू, काफी चल रहा है, काफी लोगों की इससे मौत हो जाती है डेंगू द्वारा, क्योंकि हम लोग क्या है झाड़ फूक में चले जाते हैं। डेंगू जबकि एक वायरल जनित रोग है जो कि किससे होता है? मादा एडिस मच्छर, मादा एडिस मच्छर के काटने से होता है डेंगू, जो कि किससे होता है? फ्लेवी एंड अर्बो वायरस, अर्बो वायरस मेन आता है, अर्बो वायरस बार बार पूछा जाता है। डेंगू किसकी वजह से होता है? अर्बो वायरस की वजह से होता है। कौन से मच्छर की वजह से होता है जो कि उसका संक्रमण करता है? मादा एडिस मच्छर। मलेरिया किसके द्वारा होता है? मलेरिया होता है मादा एनाफिलीज मच्छर, ठीक है, और ये होता है मादा एडिस मच्छर। डेंगू के अंदर हमने सुना है अखबारों में इतना आता है, डेंगू के अंदर क्या हो जाता है? प्लेटलेट्स डाउन हो जाती है, प्लेटलेट्स डाउन हो जाती है। तो फिर प्लेटलेट डाउन होने से क्या होता है? प्लेटलेट्स क्या काम करती है? हमारी थक्का जमाने में मदद करती है। प्लेटलेट्स यदि अधिक मात्रा में डाउन हो जाती है तो जो ब्लड का बैलेंस है वो ऊपर नीचे हो जाता है बहुत सारे कारणों से, क्योंकि हम झाड़ फूक में चले जाते हैं, डॉक्टर उसे टैबलेट नहीं लेते। डेंगू के अंदर जो है पैरासिटामोल ली जाती है, ध्यान रखना। कौन सी टैबलेट ली जाती है? पैरासिटामोल। एस्प्रिन नहीं ली जाती है, एस्प्रिन कभी नहीं लेनी चाहिए, क्योंकि क्या है डेंगू के अंदर भी सेम लक्षण होते हैं, सर दर्द होता है, बुखार आ जाता है, खांसी हो जाती है। तो फिर हम लोग क्या करते हैं? एस्प्रिन ले लेते हैं, पर नहीं, पहली बात तो किसी भी रोग के लिए हमें जाना चाहिए डॉक्टर के पास। तो डेंगू किसकी वजह से होता है? अर्बो वायरस की वजह से होता है। डेंगू में क्या होता है? प्लेटलेट्स डाउन हो जाती है, सर दर्द होता है, बुखार आता है, मतलब स्ट्रेंथ खत्म हो जाती है, प्लेटलेट्स डाउन हो गई, ठीक है। तो किसके द्वारा होता है? अर्बो वायरस द्वारा होता है। मच्छर का नाम याद रखना, इंपॉर्टेंट है, मादा एडिस मच्छर। अब हम नेक्स्ट रोग के बारे में देखते हैं, वायरल जनित चिकनगुनिया। चिकनगुनिया क्या होता है? चिकनगुनिया में भी सेम होता है, चिकनगुनिया के अंदर भी क्या रहता है? सर दर्द होता है, बुखार होता है, पर इसके अंदर होता है जोड़ों में दर्द जो है ना, इसका प्रमुख लक्षण है। तो चिकनगुनिया कौन से वायरस के द्वारा होता है? चिकनगुनिया होता है हमारा टोंगा वायरस के द्वारा, और मच्छर है सेम मादा एडिस मच्छर। ध्यान रखना डेंगू एंड चिकनगुनिया ये हम लोगों ने अखबारों में भी नाम जो है ना सेम सेम साथ साथ में सुनाई देता है। डेंगू की बात करते हैं, चिकनगुनिया की बात करते हैं, तो दोनों किसके द्वारा होंगे? मादा एडिस मच्छर। डेंगू कौन से वायरस से होता है? डेंगू होगा अर्बो वायरस, डेंगू होगा अर्बो वायरस से। और चिकनगुनिया किससे होगा? चिकनगुनिया होगा टोंगा वायरस से, चिकनगुनिया होगा टोंगा वायरस से, डेंगू होगा अर्बो वायरस से। हेपेटाइटिस, हेपेटाइटिस में याद करने की जरूरत नहीं है, हेपेटाइटिस जो है ना खतरनाक बीमारी है जो कि वायरस जनित रोग है, क्योंकि हेपेटाइटिस जो होते हैं ना जिनमें से हेपेटाइटिस जो होते हैं ना कई प्रकार के होते हैं, जैसे हेपेटाइटिस ए, हेपेटाइटिस बी, सी, डी एंड ई। तो हेपेटाइटिस जो होता है वो होता है हेपेटाइटिस वायरस से, तो इसमें लड़ने की जरूरत नहीं है। यदि बोलेगा हेपेटाइटिस ए किसके द्वारा होता है, तो हेपेटाइटिस ए होता है हेपेटाइटिस ए वायरस के द्वारा, बी होता है बी वायरस के द्वारा। तो हेपेटाइटिस जो है ना असाध्य रोग है, हेपेटाइटिस बी जो होता है ना वो असाध्य रोग है, ठीक है। हेपेटाइटिस के अंदर क्या होता है? पीलिया हो जाता है, बुखार हो जाता है, डायरिया हो जाता है। हेपेटाइटिस के अंदर जो प्रभावित होने वाला ऑर्गन है वो कौन सा है? लीवर। इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है हेपेटाइटिस के अंदर प्रभावित होने वाला ऑर्गन कौन सा है? लीवर। हेपेटाइटिस बी सी डी के अंदर क्या होता है? लीवर कैंसर हो जाता है यदि हेपेटाइटिस वायरस जो संक्रमित हो जाता है। तो हेपेटाइटिस बी सी ये किसके द्वारा संक्रमित होते हैं? ये होते हैं सेक्सुअल रिलेशन, यदि हम किसी संक्रमित के साथ सेक्सुअल रिलेशन बनाते हैं तो उससे क्या हो जाता है? हेपेटाइटिस बी सी, ठीक है। इन्फेक्टेड सुई से, सेम एड्स वाली कंडीशन है, जेनेटिक भी हो सकता है।
हो गया, हेपेटाइटिस जो है वो डेंजरस रोग है, इसके अंदर क्या होता है लीवर प्रभावित होता है, ध्यान रखना है। उसके बाद हम बात करते हैं पोलियो वायरस। पोलियो तो उन्मूलन हो चुका है, पोलियो की दवाइयां मिलती है, ड्रॉप्स ना लग गई आजकल। पोलियो जो होता है वो किसके द्वारा होता है, पोलियो वायरस के अंदर। आपने पोलियो ग्रसित लोगों को देखा होगा, तो उनके अंदर क्या होता है, उनके अंदर कोई ऑर्गन होता है, वो उनका हाथ हो सकता है, पैर हो सकता है, तो वो क्या करता है, ग्रोथ नहीं करता, ग्रोथ नहीं करता। तो मुझे बताओ प्रभावित होने वाला ऑर्गन कौन सा होगा पोलियो वायरस के अंदर। पोलियो वायरस के अंदर प्रभावित होने वाला ऑर्गन होगा पेशियां। पेशियां प्रभावित होती है, काम नहीं करता ना उनका वो हिस्सा, तो तभी तो बोलते हैं पोलियो हो रखा है उसके, काम नहीं करता, लकवा आ जाता है। तो जो पोलियो वायरस है वो किसे प्रभावित करता है, पेशियों को, ठीक है। बात करते हैं एड्स, सबको पता है इंपॉर्टेंट है। एड्स की फुल फॉर्म क्या होती है, एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम, सबको याद है। एचआईवी की फुल फॉर्म होती है ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी वायरस, ठीक है, ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी वायरस। एड्स किसके वजह से होता है, एचआईवी की वजह से होता है, संक्रमित होने के कारण, सेक्सुअल रिलेशनशिप, इन्फेक्टेड सुई, मदर से बच्चे के अंदर, जेनेटिक भी हो सकता है, ठीक है। बात करते हैं एड्स के अंदर क्या हो जाता है, एड्स के अंदर होता है इम्यूनिटी डाउन हो जाती है, क्योंकि एड्स के अंदर जो एचआईवी वायरस है हमारा, वो किसको इन्फेक्ट करता है, टी हेल्पर सेल को इन्फेक्ट करता है,